जी अस्सलाम वालेकुम कैफ फेट, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर है जी हमारा 74 और आज के लेक्चर में हम चैप्टर 14 एक्सटर्नल कन्फर्मेशन को कंक्लूड करने जा रहे हैं। अभी तक के लेक्चर में हमने क्या सीखा? हमने सबसे पहले जब इस चैप्टर को स्टार्ट किया कन्फर्मेशन की डेफिनेशन सीखी, हमने सीखा इसको एज एविडेंस कैसे यूज़ कर सकते हैं, कितना रिलायबल एविडेंस है और अजर्शन इससे कौन कौन सी वेरीफाई होती हैं, कौन सी अजर्शन इसे कन्फर्मेशन से वेरीफाई नहीं होती, कम्प्लीटनेस की अजर्शन, शाबाश। फिर इसके बाद हम आगे चले, हमने स्टेप बाय स्टेप देखा कि जब कभी कन्फर्मेशन को हम यूज़ करेंगे तो हमें किन स्टेप्स, कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म करना पड़ेंगे, स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, 2 में क्या करना है, 3 में क्या करना है, 4 में क्या करना है। तो उसमें हमने देखा सबसे पहले हमने क्या डिसाइड करना होता है, टाइमिंग ऑफ कन्फर्मेशन। टाइमिंग ऑफ कन्फर्मेशन का मतलब क्या है, इंटरिम ऑडिट पे कन्फर्मेशन इंटरिम डेट पे सेंड करने हैं, फाइनल डेट पे। नॉर्मली इससे पहले हमने जब इंटरिम ऑडिट और फाइनल ऑडिट का कंसेप्ट पढ़ा था उसमें सीखा था कि नॉर्मली एक्सटर्नल कन्फर्मेशन फाइनल ऑडिट में, फाइनल स्टेज में परफॉर्म की जाती है, लेकिन किसी वजह से अगर जैसे डेडलाइन को मीट करने के लिए पहले भी आप कन्फर्मेशन लेटर सेंड करना चाहें इंटरिम डेट पे, जैसे 10 महीने के एंड पे, तो सेंड कर सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है इस सूरत में कि आपको कुछ एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे जो कि बेसिकली इंटरिम डेट और फाइनल डेट के दरमियान वाली ट्रांजैक्शंस है उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं। फिर इसके बाद हमने डिसाइड किया टाइमिंग के बाद, नेक्स्ट हमने डिसाइड किया लिस्ट के क्लाइंट से लिस्ट लेंगे पार्टीज़ की, फिर उसमें से डिसाइड करेंगे पार्टीज़ कौन सी कन्फर्मिंग पार्टी, सैम्पल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, सैम्पल सेलेक्ट करेंगे कि हमने किन किन पार्टीज़ को, कौन से सैंपल को सेलेक्ट करना है। और उसमें मैंने आपको बताया था कि रैंडमली हम सैंपल सेलेक्ट नहीं करते, बैंक्स और लॉयर्स के केस में तो रूल यह है कि आपने सबको कन्फर्मेशन लेटर सेंड करना है, इसके अलावा बाकी जो डेटर्स और क्रेडिटर्स हैं इनमें सेलेक्शन का रूल ये है, स्टेप नंबर 1 जो मटीरियल आइटम्स हैं, मटीरियल डेटर्स या मटीरियल क्रेडिटर्स हैं उनमें से तो सबको सेलेक्ट कर लीजिए, फिर इसके अलावा क्या इमटीरियल को इग्नोर कर दें, नहीं, बल्कि इमटीरियल भी चूंकि एग्रीगेट होकर मटीरियल हो सकती है उनमें से भी सैंपल सेलेक्ट करना, यानी रूल ये बना कि हमने कैटेगराइजेशन करने के बाद डेटर्स या क्रेडिटर्स की हर कैटेगरी में से सैंपल उठाना है। रूल क्या बना, हर कैटेगरी में से सैंपल उठाना, जो टॉप लेवल की कैटेगरीज होंगी इनमें से तो सैंपल इस वजह से उठाएंगे क्योंकि उनकी अमाउंट्स मटीरियल हैं, सिग्निफिकेंट है। जो लो लेवल की कैटेगरीज होंगी क्या इनमें से भी सैंपल सेलेक्ट करना है, इसका जवाब है इसमें से भी सैंपल सेलेक्ट कर, इसमें से सैंपल किस बेस, रिस्क की बेस पे सेलेक्ट करेंगे कि जिनमें रिस्क, हम कोशिश करेंगे जो बड़ी बड़ी आइटम्स हैं वो तो सारी सेलेक्ट हो जाएं लहदा से, जो छोटी छोटी आइटम्स हैं इनमें से भी सैंपल सेलेक्ट करना है किस बेस पे, रिस्क की बेस पे। इसमें देखेंगे फिर जिन पार्टीज में रिस्क ज़्यादा होगा खास तौर पे उनको सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे जो पार्टी ओवरड्यू हैं उनको सेलेक्ट कर लेंगे, जिनका बैलेंस पिछले साल की निस्बत इस साल अनयूजली हाई है या अनयूजली लो है उनको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, पार्टीज़ को भी सेलेक्ट कर लिया हमने। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन कौन सी कंफर्म करवानी है, इसमें क्या सीखा था हमने, क्या हमें सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस को कंफर्म करवाना चाहिए, नहीं 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 नहीं, क्लोजिंग बैलेंस के अलावा अदर इंफॉर्मेशन को भी कंफर्म करवाना चाहिए। अब ये अदर इंफॉर्मेशन क्या है, ये डेटर्स के केस में डिफरेंट है, क्रेडिटर्स के केस में डिफरेंट है, बैंक्स के केस में डिफरेंट है, लॉयर्स के केस में डिफरेंट है, ठीक है। डेटर्स और क्रेडिटर्स की तो शायद मैंने आपको जबानी कलामी एग्जांपल दे दी थी, आज राइट टू रिटर्न है और वारंटी है, क्रेडिटर में क्रेडिट पीरियड क्या है, ठीक है, लेकिन जो बैंक्स और लॉयर्स है ये चूंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा है मैं कंपैरेटिवली, वैसे डेटर्स क्रेडिटर्स भी है मैं, लेकिन बैंक्स और लॉयर्स की तो रिटर्न फॉर्म में आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव में बताया गया था, कौन सा लर्निंग ऑब्जेक्टिव था जिसमें बताया गया था कि बैंक को कन्फर्मेशन लेटर सेंड करना है तो कौन सी इन्फॉर्मेशन कन्फर्म करवानी है, लॉयर को कन्फर्मेशन लेटर सेंड करना है कौन सी इन्फॉर्मेशन कन्फर्म करवानी है, कौन सा लर्निंग ऑब्जेक्टिव था, 7 याद है आपको, शाबाश। तो फिर पार्टी सेलेक्ट कर ली, इंफॉर्मेशन क्या कंफर्म करने वो सेलेक्ट कर ली, फिर इसके बाद हमने क्या सीखा था कि कौन से टाइप ऑफ कंफर्मेशन, हमने ये सीखा दो तरह की कंफर्मेशन है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, फर्क क्या है, पॉजिटिव कंफर्मेशन में हम हर सूरत में कंफर्मिंग पार्टी से कहते हैं कि जवाब दे, चाहे बैलेंस एग्री करता हो
चाहे डिस एग्री करता हो। और नेगेटिव कन्फर्मेशन में हम पार्टी से क्या कहते हैं, सिर्फ उस सूरत में जवाब दे जब वैलेंस डिस एग्री करता हो। इसीलिए पॉजिटिव कन्फर्मेशन को ज़्यादा रिलायबल समझा जाता है। एडिटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं पॉजिटिव कन्फर्मेशन जहाँ यूज़ करने हैं बेफिक्र होकर करो, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन नेगेटिव कन्फर्मेशन अगर यूज़ करनी है तो सिर्फ उस कैटेगरी में यूज़ कर सकते हैं, उस जगह पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे चार सर्कमस्टेंसेस, चार कंडीशंस पूरी हो रही हों, चारों की चारों। एक भी अगर पूरी नहीं हो रही तो नेगेटिव कन्फर्मेशन यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, वो चार कंडीशंस क्या थी याद है? हाँ, पहली वाली बता दे तसल्ली हो जाएगी मुझे, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस, शाबाश। बाकी की कंडीशंस थी, तो अगर चारों की चारों पूरी हो जाए नेगेटिव कन्फर्मेशन यूज कर सकते हैं। अगर तीन पूरी हो रही हैं, एक वायलेट हो रही है, नेगेटिव कन्फर्मेशन यूज नहीं कर सकते। अगर तीन पूरी हो रही हैं और एक के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, तो इफ करके कि ये कंडीशन, एज्यूमिंग के कंडीशन पूरी हो रही है, नेगेटिव कन्फर्मेशन यूज करनी है। यानी किसी कंडीशन के बारे में उसका साइलेंट होना हमें किसी और चीज़ की तरफ लेके जाए, एजम्पशन की तरफ लेके जाएगा, और किसी कंडीशन के बारे में क्लियरली बता दे कि पूरी नहीं हो रही, वो दूसरी कंडीशन, उसमें हम कहेंगे नेगेटिव कन्फर्मेशन अप्रोप्रिएट नहीं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव ये दो। अच्छा, नेगेटिव में जहाँ पे रिस्क है लेस रिलायबल है, इसलिए उन्होंने कहा चार कंडीशन पूरी होनी चाहिए फिर यूज़ करनी है। पॉजिटिव में भी तो रिस्क है। पॉजिटिव में क्या रिस्क है? कि कंफर्मिंग पार्टी बगैर वेरिफिकेशन के साइन करके भेज देगी। इसका इलाज क्या है? ब्लैंक कंफर्मेशन, जिसे मेथड टू कंफर्मेशन भी कहते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, क्या बिल्कुल ब्लैंक पेपर भेजते हैं? नहीं, सारा कंफर्मेशन लेटर वैसे ही ड्राफ्ट करते हैं जैसा नॉर्मली होना चाहिए, सिर्फ अमाउंट्स की जगह ब्लैंक छोड़ देते हैं ताकि कंफर्मिंग पार्टी खुद कंफर्म करे। शाबाश। फिर इसके बाद हम लेटर सेंड कर दिया, अब इसके बाद फिर क्या करते हैं? जवाब, इंतज़ार जवाब का। अच्छा, जवाब जब आएगा वो कितनी तरह का हो सकता है? हाँ, वो स्टेप नंबर वन, बैलेंस आया और एग्रीड, प्रॉब्लम ही कोई नहीं, बेहतरीन, सफिशिएंट, अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, मुफ्त का एक नंबर। दूसरी सिचुएशन, बैलेंस आया और डिसएग्रीड। अब डिपेंड करता है क्या उसने हमें स्पेसिफिक रीजन बताई है डिसएग्रीमेंट की या नहीं। तो इसमें रूल यह है कि अगर तो उसने जनरल डिसएग्रीमेंट का बताया, हमारे प्रोसीजर भी जनरल होंगे, और अगर उसने स्पेसिफिक रीजन बताई है डिसएग्रीमेंट की, हमारे प्रोसीजर्स भी स्पेसिफिक हो गए। मार्क्स ज़्यादा हो तो जनरल भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर केस स्टडी में मार्क्स कम है तो फिर स्पेसिफिक है तो स्पेसिफिक, जनरल है तो जनरल। फिर से बताइए, अगर डिसएग्रीमेंट हो तो क्या करना है? देखेंगे उसने जनरल डिसएग्रीमेंट का जिक्र किया है कि स्पेसिफिक। जनरल जिक्र किया है, हमारा आंसर भी जनरल। स्पेसिफिक डिसएग्रीमेंट का जिक्र किया है, हमारा आंसर भी स्पेसिफिक। चलिए, अच्छा, अब जनरल डिसएग्रीमेंट है तो क्या प्रोसीजर्स हैं? स्टेप नंबर वन, क्लाइंट से कहेंगे रिकंसिलिएशन बनाएं। स्टेप नंबर टू, देखेंगे टाइमिंग डिफरेंस है कंफर्मिंग पार्टी के रिगार्ड में मिसस्टेटमेंट या हमारे क्लाइंट के रिगार्ड में। अगर हमारे क्लाइंट के रिगार्ड में मिसस्टेटमेंट, स्टेप नंबर थ्री, देखेंगे रिस्क ऑफ फ्रॉड या वीकनेस इंटरनल कंट्रोल। शाबाश, बेहतरीन। और अगर स्पेसिफिक रीजन है तो उस स्पेसिफिक रीजन के लिहाज से प्रोसीजर्स बताएंगे। जैसे एक कॉमन जो रीजन, वो स्पेसिफिक रीजन पूछते हैं, और भी रीजन है, जैसे जैसे केस स्टडी करते जाएंगे आपके सामने आती जाएंगी। एक कॉमन रीजन क्या होती है? और डेटर कहता है भाईजान, हमने तो ये डिफेक्टिव इन्वेंट्री थी रिटर्न कर दी, हमने 3 जनवरी को डिफेक्टिव इन्वेंट्री थी रिटर्न कर दी। अब इसका हमारे ऑडिट में क्या फर्क पड़ेगा? हमने फौरन सोचना है रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव इन्वेंट्री इज अ एडजस्टिंग इवेंट। याद है, बताया रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव इन्वेंट्री इज एडजस्टिंग इवेंट। दो काम करते हैं, स्टेप नंबर वन, डेटर को रिवर्स करना है। डेटर को रिवर्स करना मतलब सेल्स को रिवर्स करना, डबल एंट्री होगी, सिंगल थोड़ी होगी, डेटर्स या सेल्स को रिवर्स करना। स्टेप नंबर टू में क्या करना है? इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट NRV पे रिकॉर्ड करना होगा, क्योंकि ये डिफेक्टिव है। ठीक है, ये सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसी तरह हो सकता है कि कोई और एग्जांपल भी केस स्टडी में इंक्लूड करे, जो वो करेगा। ठीक है,
जैसे जैसे केस स्टडी की फर्दर प्रैक्टिस करते जाएंगे आपके सामने रीजंस आते जाएंगे। चलिए, डिसएग्रीमेंट भी हो गया, एग्रीमेंट भी कर लिया, डिसएग्रीमेंट भी कर लिया। डिसएग्रीमेंट में खास तौर पे एग्जाम में जो चीज़ आप स्किप कर सकते हैं ना, जो एग्जामिनर कमेंट्स में बताता है, वो कहता है मैं स्पेसिफिक रीज़न बोली है बच्चे को, वो जनरली बता के निकल गया आगे। तो हमने स्पेसिफिक रीज़न, ये तो आपको जनरल रूल बताया है ना कि किसी भी केस स्टडी में अगर वो कोई स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन, स्पेसिफिक इवेंट डिस्कस कर दे और हमसे पूछे कि कोर्स ऑफ एक्शन बताओ, एक्शन बताओ, तो हम पे लाजमी हो जाता है उस ट्रांजैक्शन या इवेंट से रिलेटेड सब्सटेंटिव प्रोसीजर बताने हैं, बताने कोई भी स्पेसिफिक इवेंट। ठीक है जी। अच्छा, डिसएग्रीमेंट, एग्रीमेंट भी हो गया, डिसएग्रीमेंट भी हो गया, अब कौन सी चीज़ बाकी रह गई? नॉन रिस्पॉन्स। नॉन रिस्पॉन्स में आपने दो चीज़ें देखनी है, उसके बगैर कभी नॉन रिस्पॉन्स आपने लिखा ना दो चीज़ें सोचे बगैर, तो चांसेस है कि वो गलत हो सकता है। पहली चीज़, कन्फर्मेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ये ना हो नेगेटिव कन्फर्मेशन में कहे नॉन रिस्पॉन्स और आपके अल्टरनेटिव प्रोसीजर होते हैं नॉन रिस्पॉन्स के, वो पॉजिटिव के होते हैं, नेगेटिव के थोड़े ही होते हैं। नेगेटिव में तो नो न्यूज़ गुड न्यूज़, हम कहते हैं बिल्कुल एविडेंस मिल गया, पहले देखना है पॉजिटिव के, फिर क्या देखना है, डेटर्स है कि क्रेडिटर्स हैं, डेटर्स के प्रोसीजर डिफरेंट है, क्रेडिटर्स के प्रोसीजर डिफरेंट है, याद है ना? वो कोई एक प्रोसीजर बता दीजिए जो डेटर्स में है और क्रेडिटर में नहीं है। डिस्प्यूट, उसमें क्या करते हैं, क्या करते हैं डिस्प्यूट में, हम कल आए नहीं थे तो यूट्यूब पे लेक्चर देखा नहीं था, अब शोर तो बड़ा मचाते हैं आप कि सर यूट्यूब पे अपलोड कर दे, अपलोड कर दे, फायदा क्या यूट्यूब पे अपलोड करने का जी मेरे भाई? डिस्प्यूट वाला पॉइंट था, उसका प्रोसीजर क्या था भाई? मुझे वकुआ तो बता रहे हो आप, उसके प्रोसीजर नहीं बता रहे, लॉयर से कंफर्म करेंगे और वीएन भी थी। चले बहरहाल, तो हमने ये स्टडी किया था, नॉन रिस्पॉन्स में दो चीजें सामने रख के फिर डिसीजन करना है, कौन सी दो चीजें? पहला कंफर्मेशन, केस स्टडी में ध्यान रखना है इस चीज का, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, और दूसरा जो बड़ा मुझे खतरा है वो डेटर्स और क्रेडिटर्स में फर्क ध्यान में रखना है। ठीक है जी। चलिए, नॉन रिस्पॉन्स भी साइड, इसके बाद तीन छोटी छोटी सिचुएशंस है, वो ओरल रिस्पॉन्स आ जाए हम कहते हैं कंफर्मेशन है नहीं, भागो भाई रिटर्न भेजो। इनडायरेक्ट आ जाए हम कहते हैं ये भी कंफर्मेशन है भागो डायरेक्ट भेजो। और इलेक्ट्रॉनिक, हाँ कहते हैं ये कंफर्मेशन है लेकिन इसका सोर्स और ट्रांसमिशन ऑथेंटिक है कि नहीं चेक करना है, सोर्स मतलब किसने भेजी, ठीक है, सोर्स चेक करना है, और उसके ट्रांसमिशन कंट्रोल ओवर ट्रांसमिशन सिक्योर्ड है कि नहीं। इसमें शायद आपने पढ़ी हो तो एक दो कंट्रोल्स आपने पढ़े, इंक्रिप्शन होती है, डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, डिजिटल सिग्नेचर से आप वाकिफ नहीं होंगे, इंक्रिप्शन से वाकिफ है कि नहीं वाकिफ? व्हाट्सएप नहीं इस्तेमाल करते हैं, उसमें सबसे पहला मैसेज क्या आता है ऊपर लिखा है एंड टू एंड इंक्रिप्शन लिखा नहीं होता, उसका मतलब क्या होता है भला? कि आपने जो मैसेज भेजा है दरमियान में अगर किसी गवर्नमेंट की एजेंसी ने उसको इंटरसेप्ट कर भी लिया, पढ़ नहीं सकेंगे, पढ़ नहीं सकेंगे, ठीक है? तो लेकिन अगर ईमेल भेजे, हॉटमेल, जो इंक्रिप्शन नहीं है मैसेज, वो कोई भी हैकर, गवर्नमेंट एजेंसी एग्जाम्पल दिया मैंने, हैकर कोई भी हैकर हो, ठीक है, जो कि आपकी कन्वर्सेशन को हैक करना चाहता, अगर इंक्रिप्शन नहीं है वो इजीली हैक कर सकता है, तो ये एक अच्छा कंट्रोल समझा जाता है। कौन सा कंट्रोल? इंक्रिप्शन भी और डिजिटल सिग्नेचर भी, ये कम्युनिकेशन मैसेज एक जगह से दूसरे कम्युनिकेट करने हो, उसका अच्छा कंट्रोल है। तो ये थे हमारे प्रोसीजर्स जब डिफरेंट रिप्लाई आता है। यहाँ तक क्लियर है जी? चलिए, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। हमने पूरे चैप्टर की क्विक रिवीजन कर ली, अब इसके बाद हमने समरी की तरफ जाना है, याद है एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं हम, पार्टनर को इस चीज़ से गर्ज नहीं पूरे 3 महीने आप क्या काम करते रहे, वो आपके 3 महीने के हजारों डॉक्यूमेंट्स या सैकड़ों डॉक्यूमेंट्स नहीं देखेगा, कहेगा भाई मुझे 2 अरफी बात बताओ सफ़े के ऊपर लिख के किया क्या तुम। तो हमने एक्सटर्नल कन्फर्मेशन की सारी समरी बना के पार्टनर के सामने रखनी होगी। याद रखिएगा, प्रैक्टिस में याद रखिएगा, बाकी आपके वर्किंग पेपर्स पे तबाही फिरी हो,
कोई मसला नहीं है, आपने पार्टनर को जो पेज बताना दिखाना है ना वो परफेक्ट नीट एंड क्लीन होना चाहिए, परफेक्ट नीट एंड क्लीन नहीं होना चाहिए। यार वो एक भी एक टेक्निक है उसमें ना जानबूझ के बाज़ूकात हम कटिंग शटिंग करते हैं, पार्टनर को पता है भला काम किया है। तो बहरहाल तो वो वर्किंग पेपर परफेक्ट होना चाहिए, इस एक वर्किंग पेपर के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन। आप मेरे प्रैक्टिस में रूल बता रहा हूँ आपको, प्रैक्टिस में काम आएगा, क्या रूल बता रहा हूँ, पार्टनर को जो वर्किंग पेपर देना है ना आपने, वो समरी होती है, वो किसी भी एरिया की समरी हो, वो परफेक्ट होना चाहिए, बाकी चाहे नीचे तो, क्योंकि अगर पार्टनर ने उस पेज को देखना है उससे मुतमिन हो जाए, पार्टनर नीचे डिटेल वर्किंग पेपर नहीं देखता, लेकिन अगर उसमें कोई गड़बड़ नज़र आ जाए वो डिटेल में वर्किंग पेपर देखना शुरू करते हैं। और यकीन कीजिए हर जगह इंसान है ना, हर जगह पे कोई ना कोई गलती होती है, और जितनी ज़्यादा गलतियाँ पार्टनर के सामने आना शुरू होती हैं वो उतना एरिया को डिटेल में चेकिंग करना शुरू कर देता है, फिर क्लास भी होती है कि तुम्हें ये काम भी नहीं किया वो काम। तो हमने कम अज़ कम ये, बाकी चाहे जो मर्जी किया हो, ये जो पेज बनाना है ना, हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसने एक दफ़ा भी नहीं पूछा ये क्वेश्चन समरी वाला, ठीक है एक दफ़ा भी नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा अहम यही है, पार्टनर मुतमिन तो सारा ऑडिट पार, पार्टनर अगर मुतमिन नहीं है फिर गड़बड़ होगी। तो इसीलिए आज हम लास्ट में क्या सीखने जा रहे हैं, वो चीज़ जो एग्जाम में शायद ना पूछे, शायद ना पूछ भी सकता है शायद, लेकिन प्रैक्टिस में बहुत है, क्या समरी प्रिपेयर करना और कंक्लूजन ड्रॉ करना। शाबाश, चलिए कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछ लीजिए। टीमिंग एंड लैडिंग है, टीमिंग एंड लैडिंग है, इधर के पैसे उधर, उधर के पैसे उधर। टीमिंग एंड लैडिंग होता है क्या, एक ऐसा फ्रॉड जो सिर्फ कैशियर करता है, कैशियर जो फ्रॉड, जैसे अब देखें मैं कैशियर हूँ, अब सुनिए, कैशियर है, मिस्टर ए ने आके पैसे जमा करवाए, कैशियर ने जुए में उड़ा दिया, है ना। अब मिस्टर बी ने आके पैसे जमा कराए, वो मिस्टर ए के अकाउंट में डाल दिया, फिर लेकिन साइड पे लिख दिया मिस्टर बी के पैसे ए के अकाउंट में डाले हैं मैंने, सी के पैसे आए वो बी के अकाउंट में डाल दिए, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद अचानक सी आ गया पैसे लेने के लिए, मैंने इसके अकाउंट में देखा पैसा तो था ही नहीं, मैंने लिस्ट में देखा मुझे याद आ गया मैंने आईटीआई की हुई है, क्या करूँगा, बी के अकाउंट से पैसे निकाल के सी को पेमेंट कर दूंगा, सी को पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। इसी तरह फिर उसके बाद डी से पैसे आएंगे वो बी के अकाउंट में रिकॉर्ड कर दूंगा, ये आईटीआई करता रहूँगा, ठीक है। इस फ्रॉड को कहते हैं टीमिंग एंड लैडिंग। आप गैस कर सकते हैं ये फ्रॉड कौन सा मैनेजमेंट का कौन सा कंट्रोल होगा तो ये फ्रॉड पकड़ा जाएगा, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, क्या मैनेजमेंट का कौन सा फ्रॉड कंट्रोल होगा तो ये पकड़ा जाएगा, अकाउंट स्टेटमेंट सेंड करना मंथली सारे कस्टमर को, जब अकाउंट स्टेटमेंट सेंड की जाएगी तो जिस कस्टमर के पैसे आगे पीछे हुए हैं वो बोल पड़ेगा, कहेगा सर मेरा तो ये फर्क है। तो इसीलिए इस तरह के फ्रॉड को ये कैशियर ये फ्रॉड करता है, इस तरह के फ्रॉड को क्या कहते हैं, टीमिंग एंड लैडिंग, नाम दिया हुआ है। ये काम आप बचपन से, ये फ्रॉड था जी। और कोई क्वेश्चन नहीं है, चलिए अब चलते हैं हम पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन, ब्रीफली एक्सप्लेन, आज के क्वेश्चन बताएंगे आपको ये चैप्टर इस पे ग्रिप है कि नहीं। ब्रीफली एक्सप्लेन एज टू हाउ वुड यू डील विद ए सिचुएशन वेयर ए डेटर कंफर्म्स ए बैलेंस विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अमाउंट अपीयरिंग इन कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, जो कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में जो बैलेंस है उससे डिफरेंट है जो कंफर्म करवाया, ये कौन से वाला केस है, डिसएग्रीमेंट वाला, आगे आगे क्या देखना है आपने, हाँ जनरल है कि स्पेसिफिक, बताइए क्या कुछ स्पेसिफिक रीजन बताइए, तो क्या करेंगे, जनरल प्रोसीजर छापेंगे, क्लियर। चलिए ये क्वेश्चन तो हो गया, फिर इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8। अच्छा 8 क्वेश्चन भी डिसएग्रीमेंट के ऊपर ही है, लेकिन 5 और 8 में फर्क है, फर्क आपको क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा, वैसे इसकी शक्ल देख के आपको पता चल गया होगा,
कि ये कोई डिफरेंस आ रहे हैं और ये उसकी रीजन बता रहा है। रिक्वायरमेंट सबसे पहले इवेल्युएट द एविडेंस ऑब्टेन्ड, इवेल्युएट द एविडेंस, बताइए क्या जो एविडेंस है वो ठीक है कि इसमें कोई गड़बड़ है। इवेल्युएट द ऑडिट एविडेंस का मतलब क्या, बताइए एविडेंस जो ठीक है गड़बड़ होता है ना। वो रिपोर्ट वाले क्वेश्चन में कहता था इवेल्युएट द सिचुएशन, इसको पढ़ के बताओ सिचुएशन ठीक है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, और उसमें कोई ना कोई मिस स्टेटमेंट होती थी। याद है ऑडिट रिपोर्ट के क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में भी सम टाइम वो ये कहता था इवेल्युएट द अबव सिचुएशन, इसका मतलब क्या होता है कि सिचुएशन को पढ़ के बताओ, भाई जरा पीछे चले जाओ, कि सिचुएशन को पढ़ के बताओ कि क्या ये सिचुएशन ठीक है कि इसमें कोई ना कोई गड़बड़ है, और इसमें कोई ना कोई गड़बड़ थी। इवेल्युएट द एविडेंस ऑब्टेन एंड डिस्क्राइब द स्टेप्स इफ एनी विच द ऑडिट टीम में परफॉर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव डेटर्स, और अगर कोई गड़बड़ है एविडेंस को वैल्यूएट करो, पहले देखो सही है कि कोई गड़बड़, और अगर कोई गड़बड़ है तो नेक्स्ट इफ एनी, अगर कोई गड़बड़ तो क्या करो, प्रोसीजर बताओ। स्टेप्स का मतलब क्या है, प्रोसीजर कोर्स ऑफ एक्शन, एक ही मतलब है इन सारी बातों का। ठीक है जी, बताते हैं अभी पढ़ के। यू आर द ऑडिट मैनेजर इन द फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ ए क्लाइंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019, 31 दिसंबर 2019 को अंडरलाइन कीजिए। इसका मतलब है ईयर एंड पे ही कंफर्मेशन लेटर भेजा है। कभी कभी चलते चलते ना क्वेश्चन में कहेगा ईयर एंड 31 दिसंबर है, कन्फर्मेशन भेजा 31 अक्टूबर पे, आप सारे सिचुएशन पे कमेंट कर देंगे, एक चीज एंड में भूल जाएंगे, क्या कि कंफर्मेशन इंटरिम डेट पे परफॉर्म हो रही है और आपने एडिशनल प्रोसीजर बताने थे, लेकिन आपका सारा फोकस होगा डेटर ए डेटर बी डेटर सी पे, इंटरिम डेट वाला पॉइंट वो सर स्किप कर जाए। याद है जिस तरह कोड ऑफ एथिक्स ये केस स्टडी थी, जिसमें ऊपर नीचे 1 2 3 उसने 2 3 सिचुएशन दी थी, और ऊपर कह रहा था कि 7 साल हो गए हैं सेम टीम ऑडिट कर रही है, तो आपने 1 2 3 के थ्रेट्स आइडेंटिफाई कर लिए थे, वो ठीक कर दिया था, वो जो 7 साल वाला थ्रेट है वो भूल गए थे। तो आई क्या बाजू का ऐसे करता है, जब 1 2 3 कैटेगरी बनाए 1 2 3 करता है, तो याद रखिए ऊपर ये भी हो सकता है कोई एडजस्टमेंट हिडन दे दे, तो आपने लर्न रहना है इसमें बहरहाल नहीं है, क्योंकि इसमें ईयर एंड पे ही कन्फर्मेशन लेटर सेंड कर रहा है। डेटर ए बैलेंस एट ईयर एंड 500, बैलेंस कंफर्म बाय डेटर 500, गुड न्यूज, बेहतरीन भाई, बैलेंस एग्री हो गया, और क्या चाहिए जिंदगी में, बैलेंस कमेंट्स, अच्छा कमेंट्स भी लिखे हैं, कंफर्मेशन वाज रिसीव्ड थ्रू क्लाइंट इनडायरेक्ट, हाँ याद, नहीं 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 गड़बड़ है, गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, इनडायरेक्ट एविडेंस है, लिखेंगे लेस रिलायबल है, रिलायबिलिटी पे डाउट्स क्रिएट करता है, पढ़ा था ना हमने, और ये एक्सटर्नल कंफर्मेशन के डेफिनेशन को मीट करता ही नहीं है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन की डेफिनेशन को मीट करता ही नहीं है, क्या करें। अच्छा ये कमेंट कर दिया आपने, इवैल्यूएट द एविडेंस ऑब्टेन, एविडेंस नॉट सफिशिएंट एप्रोप्रिएट, क्यों, इनडायरेक्ट है, डज नॉट, रिलायबिलिटी भी कम है और कंफर्मेशन की डेफिनेशन को भी मीट नहीं करता। अब आगे प्रोसीजर क्या बताने हैं, पार्टी से रिक्वेस्ट करेंगे कि डायरेक्टली हमें दोबारा से रिस्पॉन्स दे, अगर पार्टी दोबारा रिस्पांस नहीं देती तो ये नॉन रिस्पांस समझा जाएगा और अल्टरनेट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। बस यहाँ पे कहानी खत्म कर देनी है, अल्टरनेट प्रोसीजर का नाम लिख के कहानी खत्म, कि आगे अल्टरनेटिव प्रोसीजर लिखने हैं, हाँ मार्क्स देख के, और मुझे लगता है 10 नंबर है, 3 सिचुएशंस हैं, कमेंट्स भी है, एविडेंस ऑब्टेन, अब हमें नहीं लिखना चाहिए, अल्टरनेटिव प्रोसीजर का जिक्र, सिर्फ जिक्र करते आगे प्रोसीजर 1 2 3 करके लिखने नहीं चाहिए। लेकिन बहरहाल मैं भी पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लूँ, अगर तो अगले किसी पार्ट में उसने अल्टरनेटिव प्रोसीजर पूछे हुए, फिर तो कन्फर्म हो जाएगा मुझे पार्ट ए में नहीं लिखने, लेकिन अगर अगले किसी एरिया में रिक्वायरमेंट में उसने अल्टरनेटिव प्रोसीजर स्पेसिफिकली ना पूछे हुए, फिर मैं लिख सकता हूँ, क्लियर। लेकिन फिलहाल मैंने अपने जहन में प्लान किया कि मैं इसमें अल्टरनेटिव प्रोसीजर का जिक्र करूंगा, 1 2 3 प्रोसीजर लिखूंगा नहीं, क्योंकि बात ज़रा ज़्यादा दूर तक चली जाएगी ना, इनडायरेक्ट की बात है, इनडायरेक्ट तक रहे तो ठीक है, उसको नॉन रिस्पॉन्स तक खींच के लेके जाएंगे तो बात थोड़ी ज़्यादा। बी
बैलेंस एट ईयर एंड 800 है, जो डेटर ने कंफर्म किया 800, ये बहुत अच्छी बात, काम खत्म, वही बैलेंस तो कंफर्म हो गया। आगे भी पढ़ना है, कमेंट भी है, ओके 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 ठीक है। सिर्फ यानी हमने अमाउंट्स नहीं देखनी होती कंफर्मेशन में, कमेंट करने होते हैं। कमेंट्स में क्या है, कंफर्मेशन वाज रिसीव्ड आफ्टर मैनी फॉलो अप विद द क्लाइम। फॉलो अप क्या होता है, याद दिहानी, रिमाइंडर मैसेज दिए। फॉलो अप का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर मैसेज दिए, भैया फीस पे कर दे, भैया फीस पे, रिमाइंडर फॉलो अप मैसेज, ठीक है। अगर फीस पे ना करे स्टूडेंट, पहला फॉलो अप मैसेज, फिर दूसरा फॉलो अप मैसेज, फिर तीसरा फॉलो, फिर सेशन खत्म है, सेशन खत्म। तो फॉलो अप मैसेज का मतलब क्या है, रिमाइंडर, रिमाइंडर। हाउएवर कंफर्मेशन बड़े ही रिमाइंडर भेजे, फिर आके जवाब, चलो आ तो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको। कंफर्मेशन रिसीव करने के लिए रिमाइंडर भेजने पड़े, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बाद का होता है, आगे पीछे हो जाता है लेटर। However, audit team has come to know that confirming party had not received the confirmation request. क्या मतलब, ये क्या कह रहा है, इसका दिमाग तो नहीं चल गया। एक तरफ कह रहा है बैलेंस कंफर्म किया डेटर ने 800,000 से, और फिर कह रहा है audit team has come to know that confirming party had not received the confirmation. ये कैसे हो सकता है, ये हो ना हो खलाई मखलूक ने भेजा होगा। ये जवाब किसने भेजा है, हो ना हो किसी खलाई मखलूक ने भेजा है, एलियन ने। क्या मुतमिन है इसमें, मुतमिन नहीं है, ठीक है। हाँ जी, कंफर्मिंग पार्टी हैज नॉट रिसीव्ड द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट बट समवन हैज कंफर्म्ड बैलेंस, इट क्रिएट्स डाउट्स ओवर रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस, ठीक है। रिस्क ऑफ फ्रॉड विल इंक्रीज, के मैनेजमेंट ने हो सकता है टेम्परिंग की हो, टेम्परिंग समझते हैं क्या है, बॉल टेम्परिंग नहीं सुना कभी, और बॉल मैच क्रिकेट मैच नहीं देखते, दो नंबरी कभी नहीं की, अच्छा तो बॉल टाइम में या हाँ हाँ शाहिद अफरीदी नहीं, बॉल बॉल चाक बॉल टेम्परिंग, उसी तरह एक रिकॉर्ड टेम्परिंग भी होती है, रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ करना, ठीक है, वो रिकॉर्ड टेम्परिंग होती। तो लगता है मैनेजमेंट ने कंफर्मेशन के साथ टेम्परिंग की है, रिकॉर्ड टेम्परिंग की है, या फेक रिस्पॉन्स है, या फेक डेटा है, हमारा रिस्क ऑफ फ्रॉड इंक्रीज होगा, ठीक है। और आप इशारा दे दीजिए कि हम ओवरऑल अप्रोच को अडॉप्ट करेंगे, रिस्क ऑफ फ्रॉड जब इंक्रीज हो तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है, कुछ नहीं पता, सोए हुए हैं सारे, ओवरऑल अप्रोच क्या होता है, कल की बात ही नहीं है, ये तो बात है 3 महीने पहले की, जब हमारा ऑडिट ताज़ा ताज़ा शुरू हुआ था, पहले महीने में तब भी छुट्टी की होगी। ओवरऑल अप्रोच क्या है, ओवरऑल अप्रोच ऐसे नहीं बताएंगे आप, आपसे गुलवाना पड़ेगा, ओवरऑल अप्रोच बताना है किस चैप्टर में पढ़ा, किस कंटेक्स्ट में पढ़ा, और ये है क्या, कितने स्टूडेंट्स बता सकते हैं, हाथ उठाएं जरा, शाबाश, पहले ये भाई, ये हाल है आपका जी, जी भाई बताइए, नहीं पढ़ा कहा था, किस चैप्टर में था, थर्ड चैप्टर में, किस कंसेप्ट में, शाबाश, रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल में, रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल को एड्रेस करें, ना अब ना मिल पाएगा, नहीं मिलेगा, ना कर मेरा भाई, ना कोशिश का टाइम जाए होगा, नहीं मिल पाएगा तेरे को जी मेरे भाई। अच्छा, रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल को एड्रेस करने के लिए ओवरऑल रिस्पॉन्स था, तो बताइए ओवरऑल रिस्पॉन्स की एग्जाम्पल्स, मोर प्रोसीजर एट ईयर एंड, मोर एक्सपीरियंस स्टाफ लेके जाए, इंक्लूडिंग एक्सपर्ट अगर जरूरत हो, मटेरियलिटी लेवल को क्या करना है, सोच के बताइएगा, रिड्यूस के इंक्रीज, अगर ये गलत बताया ना 100 रुपीज नहीं मिलना, 50 मिलेगा, रिड्यूस करेंगे, क्योंकि रिस्क और मटेरियलिटी का इनवर्स रिलेशनशिप है, रिस्क हाई तो मटेरियलिटी लेवल रिड्यूस, शाबाश। और एक वही जो मुश्किल सा प्रोसीजर था,
अनप्रेडिक्टेबिलिटी, शाबाश दीजिए भाई को प्राइज, शाबाश। इनकॉर्पोरेटिंग एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्ट, यानी क्लाइंट को पता ना चलने दे। यहाँ पे चूंकि रिस्क ऑफ फ्रॉड है, क्योंकि रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की कुछ एग्जाम्पल्स थी, उनमें एक एग्जाम्पल थी ये रिस्क ऑफ फ्रॉड, और भी कुछ एग्जाम्पल्स थी। जो इस सवाल का जवाब देगा इंशाल्लाह खसूसी दुआ भाई की उसके लिए इस दफा पास। रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की एग्जाम्पल्स, गोइंग कंसर्न, फ्रॉड बाय मैनेजमेंट इंटेग्रिटी डाउटफुल, शाबाश। मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, शाबाश। मिल मिला आगे पास हो गए हैं आप, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अच्छा मुझे ये बताइए, ये रिस्क ऑफ फ्रॉड है जी, ओवरऑल रिस्पॉन्स अडॉप्ट करेंगे? क्या मुझे रिस्क ऑफ फ्रॉड ओवरऑल अप्रोच का सिर्फ जिक्र कर देना चाहिए कि वो प्रोसीजर्स भी लिखने? अगेन इट डिपेंड्स, मार्क्स के साथ मैं देखूंगा, ठीक है। हाँ जी, सी 500 बैलेंस एट ईयर एंड, बैलेंस कंफर्म बाय डेटर 150,000, शुक्र है कोई डिसएग्रीमेंट भी है। करेक्ट कंसाइनमेंट ऑफ, कंसाइनमेंट कहते हैं शिपमेंट को, शिपमेंट, शिपमेंट भेजी, कंसाइनमेंट भेजी 500,000, वाज शिप्ड ऑन 27 दिसंबर, बट गुड्स ऑफ रुपीज 3.5 लाख वर रिटर्न सब्सिक्वेंट टू ईयर एंड। अच्छा ये नहीं बताया ये डिफेक्टिव गुड्स थी कि नहीं थी, तो रिटर्न थी, हाँ डिफेक्टिव होंगी तभी रिटर्न हुई है। कोई सही गुड्स भी रिटर्न करता है कि भाई ये गुड्स आपकी ठीक थी इसलिए वापस कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। बल्कि कैसे होता है, सर ये गुड्स आपकी ख़राब थी इसलिए वापस कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं 3.5, अब देखें कस्टमर ने रिकॉर्ड नहीं किया 3.5 लाख, क्यों नहीं किया? कह रहे मैं रिटर्न कर, मैंने कौन से देने पैसे, तेरे कोई पैसे नहीं देने, मैंने वापस कर दी चीज़ें। लेकिन चूंकि हमारे क्लाइंट ने 31 दिसंबर पे इसकी डेटर्स डेबिट सेल्स क्रेडिट एंट्री कर दी थी, इसलिए इसका बैलेंस आ रहा है ज़्यादा, 3.5 लाख का फर्क है। अच्छा आप 1.5 लाख ये भी मान रहा है, 1.5 लाख ये भी मान रहा है, वो जो रिमेनिंग है उसको तो जिक्र करने की ज़रूरत नहीं, वो तो ठीक है, फ़र्क किस चीज़ का है? 3.5 लाख, हमने जो प्रोसीजर बताने हैं वो 3.5 लाख के बताने हैं कि क्या करेंगे, क्या करना है। स्टेप नंबर 1, ये सेल्स की एंट्री को रिवर्स करो, और स्टेप नंबर 2, इन्वेंट्री को लोअर कॉस्ट एनआरवी पे रिकॉर्ड करो। अच्छा अगेन फिर यहाँ पे क्या मुझे एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री के प्रोसीजर भी बताने चाहिए कि सिर्फ इतना क्या कि इन्वेंट्री शुड बी मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी काफी है? डिपेंड करता है मार्क्स पे, ठीक है। यहाँ पे चूंकि 10 मार्क्स हैं तो मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा मार्क्स ना सी वाले को उसने दिए होंगे, ये उसका फेवरेट है, होना इसको 4 मार्क्स तो उसने दिए होंगे, जिसमें 2 मार्क्स होंगे। अच्छा एक एक नंबर तो वैल्यूएट करने का होगा ना कि मसला क्या है, ठीक है। पहले वाले में मसला क्या था, इनडायरेक्ट एविडेंस, दूसरे वाले में मसला क्या था, रिस्क ऑफ फ्रॉड, फेक डेटर, और तीसरे वाले में एडजस्टिंग इवेंट, ठीक है जी। फिर एक एक नंबर इसका होगा, बाकी 7 नंबर वो 2, 2, 3 के साथ शायद उसने क्लासिफिकेशन की होगी, या 1, 2 और 4 के साथ क्लासिफिकेशन की होगी शायद, ऐसी है ना। आपने पहले अपनी जजमेंटल मार्किंग स्कीम एग्जाम में बनानी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक होता है अच्छा एग्जामिनर, एक होता है आई कैप, यानी बहुत अच्छा एग्जामिनर, बहुत अच्छा एग्जामिनर। जो अच्छा एग्जामिनर होता है वो जितनी चीज़ें पूछता है हर चीज़ के साथ अलहदादा बताता है इसके कितने मार्क्स हैं, क्यों बता, ताकि स्टूडेंट को पता चल जाए किस इशू के किस किस मुद्दे को ज़्यादा डिस्कस करना है, किसको कम करना है। और आई कैप क्या करता है, सॉरी रिक्वायरमेंट 2, 4, 5, 6 जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है सारी पूछ के इकट्ठे नंबर दे देगा 12। अब बाज़ूकात हमारे साथ ये हो रहा होता है, हम किसी एक इशू के ऊपर कमेंट्री कर रहे होते हैं कि इसके मार्क्स शायद ज़्यादा होंगे, पता चलता है उसके 2 नंबर थे, 6 नंबर दूसरे वार्ड के थे, तो ये मसला रहेगा। इसीलिए आपने हमेशा जब क्वेश्चंस को पढ़ना, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ आप मार्किंग स्कीम और मार्किंग स्कीम पढ़ा, मार्किंग स्कीम का मकसद क्या है, ताकि आपको पता चल जाए आई कैप जब ये इकट्ठे नंबर देता है ना 10, तो वो अपने पास कैसे एलोकेशन करता है। जब आप हर क्वेश्चन के बाद उसकी मार्किंग स्कीम अगर पढ़े ना, तो मार्किंग स्कीम से क्या फ़ायदा होता है आपको पता चल जाएगा,
एलोकेशन आई कैप कैसे करता है, उस लिहाज से एग्जाम में बैठ के अच्छी जजमेंट, प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई कर सकेंगे। जी इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम, इसकी नेचर समझ आ गए? इसी तरह का क्वेश्चन उम्मीद है वो आपसे टेस्ट करेगा। डिसएग्रीमेंट, ये कौन सा क्वेश्चन है? डिसएग्रीमेंट वाला। हाँ, एक क्वेश्चन पॉजिटिव नेगेटिव कंफर्मेशन का भी बनाता है, कल किया था ना, ये तो डिसएग्रीमेंट का क्वेश्चन है। ये केस स्टडी कंफर्मेशन में कौन सी थी? डिसएग्रीमेंट की। एक केस स्टडी पॉजिटिव नेगेटिव कंफर्मेशन की भी बनाता है, ये मेरा भाई बताएगा। कौन बताएगा कि पॉजिटिव नेगेटिव कंफर्मेशन जो केस स्टडी होती है वो किस तरह की होती है? हाथ उठा के, किस तरह की होती है वो, किस तरह की होती है? कोई नहीं बता रहा क्वेश्चन। अच्छा, जो कल क्वेश्चन किया था उसकी तरह, ठीक है, हाथ उठा के बताना था। उसमें होता क्या है? नहीं, लेकिन यह भी कंप्लीट आंसर नहीं था, यह भी कंप्लीट आंसर नहीं था। बताना भाई, आपको पता होना चाहिए किस तरह किया। उसमें वो उसमें क्लासिफिकेशन करता है, इसमें तो एक एक डेटर कह रहे ना, इस डेटर को ये लेटर भेजा, उस डेटर, उसमें एक एक डेटर की बात नहीं करता, कैटेगराइजेशन करता है, स्ट्रेटिफिकेशन करता है। आइंदा कैटेगराइजेशन के बजाय स्ट्रेटिफिकेशन बोलेंगे तो मुझे गुड फील होगा। स्ट्रेटिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन करता है, फिर हर स्टेटा के बारे में बताता है इसमें कितने डेटर्स हैं। हर स्टेटा के बारे में क्या बताता है? इसमें कितने डेटर्स हैं? क्यों? ताकि हम वो पहली वाली कंडीशन देख सके, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल और स्मॉल नंबर लार्ज वाले, ठीक है। और फिर वो नॉर्मली इसी साल का या पिछले साल का डेटा देता है कि इतनों को भेजा था, इतनों में मसला आया, बताओ। वो आपको पता है, हम वो एक्सेप्शन रेट कैलकुलेट करते हैं, रफ सा, क्योंकि कभी मसला रिजॉल्व हो जाता है, कभी नहीं होता। तो जो इनिशियल वो हमें डाटा देता है उसी की बेस पे कैलकुलेशन कर। वो थी पॉजिटिव नेगेटिव की। अभी जो हमने केस स्टडी आज किया वो कौन सी वाली थी? डिसएग्रीमेंट की। जो कल की थी पॉजिटिव नेगेटिव का डिसीजन था। 9 में देखते क्या कहता, डिस्कस द ऑडिटर्स कोर्स ऑफ एक्शन इफ मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू अलाउ ऑडिटर टू सेंड कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। इंपैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। इसका मतलब है स्कोप लिमिटेशन तक बात खत्म कर देना बस। ये बताना है कि स्कोप लिमिटेशन है बाय मैनेजमेंट। आगे इफ मटेरियल तो क्या इफेक्ट, इफ परवेसिव तो वो कहता है वो मुझे पता, आपने रटे लगाए होंगे, वो बताने की जरूरत है, तो ठीक है। अब अगर उसने लिख दिया नॉट रिक्वायर्ड तो क्या हमें सोल्यूशन में उसको लिखना चाहिए? बताइए पहला स्टेप क्या लिखेंगे, ये बता। पहला स्टेप बताने नहीं, और कोई नहीं बोलेगा, ये भाई बता दे। सिर्फ एक स्टेप पहला, सिर्फ ये। कल क्लास में थे? कल क्लास में नहीं थे। पहला स्टेप क्या है हमारा? इंक्वायर करेंगे रीजन, और फिर इसके बाद हमारा कंसर्ट जाएगा दो हिस्सों में, या तो इतने बल जस्टिफिकेशन है या नहीं है। रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तो क्या करना है? नेटिव प्रोसीजर। रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है तो कम्युनिकेट करेंगे दो चाफी गवर्नेंस को कि ये मैनेजमेंट या सीएफओ से कहें कि स्कोप लिमिटेशन रिमूव करें, हमें अलाउ करें कंफर्मेशन लेटर सेंड। अगर ना करें तो बिल्कुल स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट, और इससे हमारा रिस्क इंक्रीज होगा, मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट्स क्रिएट होंगे, एक्सट्रीम केस में विड्रॉ कर। ये रिस्क वाली बात, विड्रॉल वाली, मैनेजमेंट इंटेग्रिटी वाली बात, ये लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। उसने इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट कहा है ना, बताओ बाकी का इंपैक्ट तो बता सकते हैं। आम स्कोप लिमिटेशन में, स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट में क्या फर्क होता है? हाँ, अच्छा, दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? आम स्कोप लिमिटेशन और स्कोप लिमिटेशन इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट दोनों में सेम है कि मटेरियल तो ये पर वैसे, और फर्क क्या है दोनों में? हाँ जी, स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट का इफेक्ट रिपोर्ट के अलावा कुछ और जगहों पे होता है, कुछ और जगहों पे भी होता है, जैसे
इंटेग्रिटी रिस्क विड्रॉल के बाद। बिल्कुल क्लियर जी क्वेश्चन 9, इसमें कोई प्रॉब्लम? ये डिसएग्रीमेंट की बात तो नहीं कर रहा था, ये नॉन रिस्पॉन्स की बात तो नहीं कर रहा, ये रिफ्यूज की बात कर रहा है, रिफ्यूज की बात कर रहा है ना। वो शायद किसी जगह पे एग्जाम टिप में लिखा हुआ है कि 3-4 सिचुएशंस हैं, इनमें फर्क है। पहली सिचुएशन, ऑडिटर खुद से डिसाइड करे कि मेरे को कंफर्मेशन यूज नहीं करनी, क्या कर सकता है? ये कुछ और कंसेप्ट है, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 या 2 में पढ़ा था, 1 का है कि ऑडिटर खुद से डिसाइड कर ले कि मेरे को कंफर्मेशन नहीं भेजना, ये अलग है। कंफर्मिंग पार्टी ने लेटर का जवाब नहीं दिया, ये सिचुएशन अलग है, नॉन रिस्पॉन्स। और मैनेजमेंट ने इजाजत नहीं दी, ये कंसेप्ट अलग है, एग्जाम में ध्यान से देखना है कौन सा कंसेप्ट, ये कौन सा कंसेप्ट है मैनेजमेंट का। ये मैं देखिए, 3 पार्टीज है ना कंफर्मेशन में, तीनों की वजह से हो सकता है कंफर्मेशन ना हो, हो सकता है एडिटर खुद से डिसाइड कर ले नहीं भेजने किसी एरिया, हो सकता है कंफर्मिंग पार्टी का मैंने जवाब ही नहीं देना, हो सकता है मैनेजमेंट कहे मैंने अलाउ ही नहीं करना। तो आपने देखना है कि उसने केस स्टडी में किसके पॉइंट ऑफ व्यू से केस बनाया है। तीनों कंसेप्ट अलहदा अलहदा है, कौन से तीनों कंसेप्ट अलहदा अलहदा? ऑडिटर खुद ही डिसाइड कर ले कि कंफर्मेशन नहीं भेजने, थर्ड पार्टी जवाब ना दे, मैनेजमेंट अलाउ ना करे। नेक्स्ट बस है 8, आइडेंटिफाई एनी 8 टाइप। अच्छा ये ऑफिशियली अभी हमने नहीं पढ़ा, लेकिन अनऑफिशियली मैंने आपसे कह दिया हुआ था, क्या आपने एक दफा चैप्टर 10 में कहा नहीं था? अच्छा ओके ओके ठीक है ठीक, कोई बात नहीं, पढ़ा देते हैं, इसमें क्या मसला। लेकिन सबसे पहले ये समरी एंड कंक्लूजन जो हमारा आज का मेन टास्क है, समरी एंड, सारा काम कर लिया, अब क्या करना है? कल पार्टनर आ रहा है सुबह, और आज टाइम है रात 10:28 का, हमें काम करना तभी याद आता है जब पार्टनर का रिव्यू आता है, जैसे आपको पढ़ना तभी याद आता है जब वो डेट शीट आ जाती है, रोल नंबर स्लिप आ जाती है, रोल नंबर स्लिप है तब तब पढ़ना याद आता है, हाँ ये पेपर देना था, ठीक है जी। चलिए आगे चल, समरी बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ सैंपल ऑडिट डेटर्स क्लाइंट के लिए सारे, क्या सारे डेटर्स को लेटर सेंड किया होगा कंफर्मेशन? सैंपल को किया होगा, और सैंपल उसने कैसे अकड़ बकड़ बम्बे बो करके सेलेक्ट किया होगा? के मटेरियलिटी को सामने रख के, रिस्क को सामने रख के, सैंपलिंग के रूल्स को सामने रख के सैंपल सेलेक्ट कैसे किया होगा? अकड़ बकड़ वाला भी है, ठीक है पकड़ा जाएगा ये। चले बेस्ड ऑन रिजल्ट ऑफ सैंपल, सैंपल के रिजल्ट्स की बेस पे ऑडिटर शुड ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट लाइकली मिसस्टेटमेंट इन पॉपुलेशन। किसे कहते हैं? किसी भी जगह पे जो टोटल आइटम्स होती हैं उसे पॉपुलेशन कहते हैं, डेटर्स में जितने भी डेटर्स हैं उनको कहते हैं पॉपुलेशन, सेल्स में जितनी भी सेल इनवाइसेस हैं पॉपुलेशन, इस क्लासरूम में जितने भी स्टूडेंट्स हैं पॉपुलेशन, ठीक है पॉपुलेशन का मतलब ऑल यूनिट्स, ठीक है, और इन ऑल यूनिट्स में से जिनका सैंपल के तौर पे जिनको सेलेक्ट कर ले उन्हें कहते हैं सैंपलिंग यूनिट्स, एक होता है पॉपुलेशन एक है सैंपलिंग यूनिट्स। सैंपलिंग यूनिट्स इंडिविजुअल यूनिट्स हैं, पॉपुलेशन है सम ऑफ ऑल यूनिट्स, ठीक है। तो हमने सैंपल कहाँ से उठाना है? पॉपुलेशन से। कहता है पॉपुलेशन में से सैंपल सेलेक्ट किया, अब आपने देखना है उसमें लाइकली मिस स्टेटमेंट्स कितनी है, एंड शुड डिटरमिन वेदर लाइकली मिस स्टेटमेंट्स आर मटीरियल। लाइकली मीन्स प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट, लाइकली जनरल वर्ड है, इसकी जगह पे ऑडिट का टेक्निकल वर्ड क्या है? प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्टेड का मतलब क्या? एस्टिमेटेड, लाइकली फोरकास्ट। कह रहा समरी, सपोज डेट ए सैंपल ऑफ डेटर्स अमाउंटिंग ₹579,500 इज ड्रॉन फ्रॉम टोटल पॉपुलेशन
1,248,900, टोटल पॉपुलेशन 1.2 मिलियन की थी, हमने 5.5 मिलियन का सैंपल सेट किया, तकरीबन आधा, तो ऐसा ही करते हैं ना, बिल्कुल सही किया। एंड कंफर्मेशन लेटर आज सेंड, और फिर कंफर्मेशन लेटर भेज दिए, 12 लाख में से तकरीबन 5,80,000 के डाटा सेलेक्ट किए, कंफर्मेशन लेटर भेज दिए। अब देखें रिजल्ट क्या हुआ और वैल्यू क्या है। पहले रिप्लाई रिसीव्ड एंड एग्रीड, क्या ये गड़बड़ है? गड़बड़ नहीं है, ये तो ठीक है। 465, ये तो ठीक है, बिल्कुल। क्या इनकी वजह से कोई मिस स्टेटमेंट है या होने का चांस है? नहीं है। फिर एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड एंड रिकंसाइल्ड, मसले सामने आए लेकिन रिकंसाइल हो, क्या ये कोई प्रॉब्लम है या इसकी वजह से प्रॉब्लम होने का खतरा है? नहीं है। ये भी ठीक, ये भी ठीक, एक्सेप्शन आइडेंटिफाई हुई लेकिन रिकंसाइल कर ली, ठीक, पक्का। तीसरी कैटेगरी देख, नॉन रिप्लाइज बट एग्रीड यूजिंग अल्टरनेटिव प्रोसीजर। अच्छा, सेकंड और थर्ड में फर्क समझ आ रहा है? सेकंड में डिसएग्रीमेंट का केस है, थर्ड में नॉन रिस्पांस का केस। कहता है नॉन रिस्पांस था लेकिन अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एग्री कर लिया, एविडेंस ऑब्टेन कर लिया, बताइए क्या प्रॉब्लम है या हो सकती है इसकी वजह से? क्या ठीक है? ठीक, इसकी वजह से भी स्टेटमेंट नहीं है, ये भी क्लियर, टिक लगा लें। फिर एक्सेप्शन स्टिल अनरिजॉल्व, ये कोई मिस स्टेटमेंट है या हो सकती है, ये गड़बड़ है या हो सकती है, इसको कर लें सर्कल। इसका मतलब है ये हमारी प्रॉब्लम है, क्या ये हमारी एक्सपेक्टेड अंदाजन मिस स्टेटमेंट है, ठीक है। अब मैं आपको एक टेक्निक सिखाने लगा हूँ, टेक्निक, ये प्रोबेबिलिटी की एप्लीकेशन है, प्रोबेबिलिटी की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सिखाने लगा हूँ। क्या सिखाने लगा हूँ? प्रोबेबिलिटी की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ठीक है। वो क्या, अब आपको पता चलेगा जो आपने स्टैट में इतने ज़्यादा प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सीखे थे वो किस लिए सीखे थे, वो इस एप्लीकेशन के लिए सीखे। मुझे बताइए क्या मैं ये कह सकता हूँ कि डेटर्स के एरिया में टोटल मिस स्टेटमेंट 14,300 की है? क्यों, यही तो है। हाँ, ये सैंपल याद रखें, जब कभी सैंपल करेंगे प्रोजेक्शन करना लाजमी है, जब कभी सैंपलिंग करेंगे प्रोजेक्शन करना लाजमी है, सैंपलिंग के रिजल्ट्स को प्रोजेक्ट करना है वरना गलत नतीजे पे पहुंचेंगे, सैंपलिंग के रिजल्ट्स को प्रोजेक्ट करना है वरना गलत नतीजे पे पहुंचेंगे। क्या बता रहा हूँ, सैंपलिंग के रिजल्ट्स को प्रोजेक्ट करना है वरना गलत नतीजे पे पहुंचेंगे। अब प्रोजेक्शन कैसे करनी है, यूजिंग प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, प्रोबेबिलिटी कहती है अगर 579,500 के सैंपल में 14,300 की मिस स्टेटमेंट है, 579,500 के सैंपल में 14,300 की मिस स्टेटमेंट है, तो टोटल 1,248,900 कितने की मिस स्टेटमेंट होगी? 30818। ये है प्रोबेबिलिटी की एप्लीकेशन, ये है प्रोबेबिलिटी की एप्लीकेशन, ठीक है। बाकी जो सिखाया जाता था वो टाइम ज़ाया किया जाता था, आपका भी उस्तादों का भी, एप्लीकेशन इतनी की ही है, ठीक है। लेकिन जाहिर है वो एक फिल्टर लगाना होता है, उल्टा सीधा जैसा भी हो, काम का होना हो, फिल्टर तो लगाना होता है ना, तो इसीलिए उसको मुश्किल बना के वो मतलब जुआ था, कम कुछ काम का नहीं, टाइम ज़ाया, अपना भी करें बच्चों का भी करें, चले मर्जी, बहरहाल जंगल का बादशाह जो कहे करना पड़ेगा। ये कैलकुलेशन आपके सामने आई कि नहीं, मेन रूल क्या है?
मेन रूल क्या है? जब भी सैंपलिंग करनी है प्रोजेक्शन करना लाजमी है, वरना अब अगर मैं ये कहूँ ना डेटर्स में 14,300 की मिस स्टेटमेंट, आई कैप पकड़ के मारेगा मुझे, क्यों? वो कहेगा भाई ये तो सैंपल में है, पॉपुलेशन में तो नहीं है। अब चांसेस क्या है, अगर इतने सैंपल में इतने की मिस, तो इतने में कितने होंगे, यही है प्रोबेबिलिटी। ये लेकिन ये प्रोबेबल है, कितने कन्फर्म नहीं है, हो सकती है ना, हो सकता है बाकी में ज्यादा हो इससे मिस स्टेटमेंट या बाकी में कम हो। बहरहाल ये इसको कहते हैं प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट। ये थर्ड इसको कहते हैं, अब ये सुनिए जरा, सैम्पलिंग के चैप्टर की टर्म्स बिल्ड कर रहा हूं कंसेप्ट। इसको कहते हैं पॉपुलेशन, इसको कहते हैं सैंपल, इसको कहते हैं सैंपल मिस स्टेटमेंट, सैंपल या मिस स्टेटमेंट इन सैंपल भी कहते हैं, सैंपल मिस स्टेटमेंट। इसको कहते हैं 30,000 प्रोजेक्टेड मिस, पॉपुलेशन मिस स्टेटमेंट नहीं कहते, क्या कहते हैं? प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट, प्रोजेक्टेड मिस एस्टिमेटेड जनरल वर्ड है, कह सकते हैं मतलब इसका यही है, लेकिन ऑडिट का स्पेसिफिक वर्ड क्या है? प्रोजेक्टेड। ठीक है, मिस्टर ए बाउट इन्वेंट्री, काउंटिंग में पढ़ते हैं ना एडजस्टमेंट, इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, लेकिन फिर भी हम हमेशा बाउट की बजाय क्या वर्ड लिखते हैं? परचेज, क्योंकि अकाउंटिंग में ज्यादा वर्ड कौन सा यूज होता है? परचेज। तो एस्टिमेटेड मिस स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, लेकिन उसके बजाय क्या कहना चाहिए? प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट। अब ये 30,000 को हमने मटीरियलिटी लेवल के साथ कंपेयर करना है, ठीक है? अगर ये मटीरियलिटी लेवल से ज्यादा है तो कोई गड़बड़ है, और अगर मटीरियलिटी लेवल से कम है तो गड़बड़ नहीं, लेकिन उसको इमटीरियल मिस स्टेटमेंट को भी हम कहीं पे लिख देते हैं, कम्युनिटी वायर शेड्यूल, याद है कम्युनिटी वायर शेड्यूल? अब आपको पता ही नहीं होगा कम्युनिटी वायर शेड्यूल से पहले कहीं पढ़ा कि नहीं पढ़ा, हो ही नहीं सकता आपको पता हो कि पढ़ा, हो ही नहीं सकता, किस चैप्टर में? बस हो गया ऑडिट फायर, बस यहीं तक था, चले छोड़े इसको। फिर इसके बाद नेक्स्ट, बैंक कन्फर्मेशन लेटर एंड लीगल कन्फर्मेशन लेटर। अब ये देखिए, ये वो ही है सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है, बैंक कन्फर्मेशन, लीगल कन्फर्म, बैंक को क्या इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बैंक अकाउंट्स, हमने बैंक को कन्फर्मेशन लेटर सेंड करने हैं, क्या कुछ कन्फर्म करवाना है, फुल टाइटल एंड अकाउंट नंबर ऑफ ऑल बैंक अकाउंट्स, हम कहेंगे भाई क्लाइंट के जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं हमें बता, जो आपके पास है वो भी बता दें, जो किसी और के पास है लेकिन आपको पता है उड़ते उड़ते आपने सुनी बात कि ABL के साथ इसके UBL में भी अकाउंट है वो भी बता दें। फॉर ऑल अकाउंट्स क्लोज ड्यूरिंग द ईयर फुल टाइटल्स एंड डेट्स ऑफ क्लोजर, जो अकाउंट क्लोज हुए हैं वो भी बताया था ना, क्लोज अकाउंट को भी नहीं छोड़ना, पूछना है सच में क्लोज हुए कि नहीं पता चले। सेपरेट अमाउंट्स ऑफ इंटरेस्ट क्रेडिटेड आर चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, असल में प्रिंसिपल अमाउंट भी बाज़ औक़ात उसी अकाउंट में होती है जो रेंजिंग फाइनेंस का है, और इंटरेस्ट भी उसी में, हम इसे कहते हैं भाई बताओ इंटरेस्ट, क्योंकि तुम लोग तो एक ही बैंक अकाउंट में डाल देते हो इंटरेस्ट भी प्रिंसिपल भी, हमने तो लादा करना होता है, तो हमें इंटरेस्ट लादा बताओ। डिटेल ऑफ अनपेड इंटरेस्ट आर बैंक चार्जेस, जो बैंक चार्जेस या इंटरेस्ट अभी अनपेड है यानी अभी एडजस्ट नहीं हुआ वो भी बता दो। If there is any restriction on bank accounts information regarding nature and extent of restriction को अंडरलाइन करते हैं, इसके साथ ब्रैकेट में लिख लें FBR। FBR क्या करता है, बाज़ औक़ात अगर उसका टैक्स का केस चल रहा हो ना, बैंक को नोटिस भेजता है अकाउंट होल्डर के अकाउंट्स मुंजमित कर दिए जाए, सुना है कभी, मुंजमित फ्रीज कर दिए जाए, ये उसकी बात कर रहा है, क्योंकि अगर फ्रीज कर दिए जाए इसका मतलब कोई ना कोई लाइबिलिटी हो सकती है, टैक्स की ज़्यादातर होती है, और रीजन की वजह से भी अकाउंट फ्रीज किए जाते हैं। वैसे इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लोन, ये तो बैंक बैलेंस के बारे में इंफॉर्मेशन थी ना, लोन के बारे में इंफॉर्मेशन, डिटेल्स ऑफ ओवरड्राफ्ट, कौन कौन सा लोन लिया है, सिक्योरिटी में क्या चीजें रखवाई हैं, और आपने कैफ सेवन पढ़ा होगा सिक्योरिटी तीन तरह की होती है, क्या था, हालांकि एक दो और भी टाइप्स होती हैं, लियन भी है, हाइपोथिकेशन भी है, कहता है जो भी टाइप है वो भी पूछ लो, डिस्क्लोजर बनाना होता है ना हमने,
टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट आर मार्कअप, ताकि देख लें इंटरेस्ट रेट ठीक कैलकुलेट हुआ क्या। रीपेमेंट शेड्यूल, ताकि देखें करंट नॉन करंट लायबिलिटी सही रिकॉर्ड। डेट कोविनेंट्स, देखें कंडीशंस क्या हैं, खास तौर पे पूछे क्या क्लाइंट ने किसी कंडीशन की वायलेशन की है। अगर याद रखे केस स्टडी में किसी डेट एग्रीमेंट की वायलेशन का जिक्र कर देना, जो सीफेब में तो कर रहा है, किसी दिन अचानक कैफ लेवल पे भी कर देगा, तो आपने कहना ये एक मिसस्टेटमेंट क्वालिटेटिवली मटीरियल है और लोन सारा करंट में आ जाएगा ये चीज। और अगर पैसे नहीं है गोइंग कंसर्न में भी डाउट डेट कवर। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कंटिंजेंट लायबिलिटी, ये नहीं पूछ, बार बार नहीं पूछना, ऑनलाइन वाले सोर्स भी सुन लीजिए। ये जो है ना इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कंटिंजेंट लायबिलिटी, इसमें उसने दो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, एग्जाम्पल दिया है कंटिंजेंट लायबिलिटी गारंटीज लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं पूछना क्या है, गारंटी भी अगर समझ आ गया ठीक, नहीं समझ आया तो नहीं पूछना, सिर्फ याद कर लेना ठीक है। पूछना नहीं है क्या है, सिर्फ केस स्टडी में पूछेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। रीप्रोडक्शन में सिर्फ पूछ सकता है ज्यादा से ज्यादा, उसके लिए आपने क्या करना है, एडिशनल इंफॉर्मेशन पूछना है, भैया किसी और बैंक के साथ भी क्लाइंट का लेना देना है तो बता दें हमें। बहुत से बात होता है ना, बैंक्स को पता होता है कि इस बड़ा क्लाइंट है ना ये ग्रुप, तो इन्होंने कौन कौन से और बैंक्स के साथ डीलिंग की हुई है। लीगल कंफर्मेशन लेटर, लॉयर को भी कंफर्मेशन लेटर भेजना है ना, उससे क्या क्या इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं, लिस्ट ऑफ ऑल लिटिगेशन क्लेम पेंडिंग अगेंस्ट कंपनी, बता भाई कितने लीगल केस कंपनी के खिलाफ चल रहे हैं जिनको लड़ रहे हैं आप, लॉयर को पता होगा, लिस्ट दे देगा। क्या सिर्फ लिस्ट काफी है, हम पूछेंगे इसके बाद असेसमेंट ऑफ आउटकम भी बताओ, असेसमेंट ऑफ आउटकम के साथ लिख ले क्या विन और लूज, कि जीतेंगे कि हारेंगे यह बताओ, किस केस में जीतने का चांस है किस में, वो बताओ विन और लूज। और एस्टिमेशन फाइनेंशियल इंप्लीकेशन, मतलब कि हारेंगे कितने प्रोविजन, क्योंकि हमने उसकी बेस पे प्रोविजन, जिनमें हारने का इस लिस्ट से डिस्क्लोजर भी बनता है प्रोविजन भी बनती है। डिस्क्लोजर कैसे बनता है भाई, जो केस वो जीत रहा है उसमें आउटफ्लो पॉसिबल है ना, प्रोबेबल तो नहीं है, उसका बनेगा डिस्क्लोजर। और जो केसेस लॉयर के मुताबिक कंपनी हार रही है आउटलो प्रोबेबल और मेजरेबल हो गया, इसकी करनी है प्रोविजन। कुछ समझ आए, अब देखें अब क्या ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, 10 आइडेंटिफाई एनी 8 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन विच वुड वेरीफाई फ्रॉम कंफर्मेशन रिसीव डायरेक्ट फ्रॉम, सबसे अहम बैंक का लफज है, क्या 10 आइटम्स इंफॉर्मेशन बता सकते हैं, कोई नहीं बता सकते, दो ही बता दो, दो बैंक को कंफर्मेशन लेटर भेजोगे तो क्या कंफर्म करो, हाँ कंफर्म क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ लोन चार्जेज या मॉर्गेज, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब आपने इतनी दफा बैंक कंफर्मेशन लेटर सुना होगा, दिल में एक ख्वाहिश तो पैदा हुई होगी कि जरा, नहीं आज एक्स्ट्रा क्लास नहीं है, आज अभी एक घंटा भी नहीं हुआ क्लास को, 20 मिनट बिरयानी नहीं अभी नहीं कल। अब देखें तो पॉजिटिव कंफर्मेशन और नेगेटिव कंफर्मेशन का फॉर्मेट है आपके सामने, फारिग वक्त में चाय पीने को दिल करे गरम गरम चाय के साथ ये लेटर, सारी जिंदगी में कम से कम एक दफा ये दो लेटर जरूर पढ़ने हैं, सारी जिंदगी में एक दफा, वैसे तो और भी लेटर आपने पढ़े होंगे, BWCS में बेतहाशा कस्टमर कंप्लेन लेटर, सेल्स लेटर, परचेज लेटर और पता नहीं कौन कौन से लेटर, लेकिन ये लेटर कभी नहीं पढ़ा होगा, कौन सा पॉजिटिव कंफर्मेशन। और तो इसके साथ लिख लीजिए जिंदगी में एक दफा पढ़ना लाजमी है, इसके साथ लिख ले
जिंदगी में, ये दोनों लेटर्स का लिया, जिंदगी में एक दफा पढ़ना लाजमी है, और आगे ब्रैकेट में लिख लें जिंदगी का कुछ पता नहीं, इसलिए जल्द से जल्द पढ़ लें, ठीक है, जल्द से जल्द पढ़ लें, शाबाश। पेपरों के बाद नहीं, पेपर से पहले, पेपर से पहले तो ये पढ़ जरूर लेना है, आपको पता चल जाए प्रैक्टिस में तकरीबन यही कॉपी पेस्ट होगा, तो आपको पता चल जाएगा, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल फॉर्मेट भी सामने आ जाए, जहन में बैठ जाता है कंसेप्ट जी। इसके साथ हमारा चैप्टर 14 कंप्लीट, लेकिन इसकी होम असाइनमेंट आपको दी गई, और आइंदा भी होम असाइनमेंट मिलती रहेगी। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए, कोई क्वेश्चन नहीं, चलिए फिर आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं हम, अल्लाह हाफिज़, कल चाय का